हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से आप लोगों के लिए एक न्यू नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। और ये नया नोटिफिकेशन आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आकर देख सकते हैं, जिस पर आने के लिए आपको सिंपली गूगल पे DU लिख के सर्च करना है और उसके बाद में नीचे आपको सबसे पहला लिंक मिल जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। आप उस पर क्लिक करके इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। इसके बाद में आपको नीचे स्क्रोल करना है। जब तक स्क्रोल करना है आप लोगों के पास में लेटेस्ट @DU नहीं आ जाता। जैसे ही आपके पास में लेटेस्ट @DU आ जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। किसकी ओर से? दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से। यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स वेलफेयर फंड DUTWF। आपको इस पर क्लिक करना है। सिंपली आपके सामने एक नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, इधर स्क्रोल करना है थोड़ा सा और थोड़ा स्क्रोल करना है आपको। जैसे आप लोग स्क्रोल कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज़ क्लिक हियर फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर फंड। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक न्यूज़ का आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी और मेम्बरशिप फॉर द DUTWF। यहाँ पर आपको कुछ डिपार्टमेंट वगैरह के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल्स फिल करनी है। अब इसको कौन फिल करेगा कौन फिल नहीं करेगा आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ एक आर्टिकल है जिसके थ्रू, जो कि एक न्यूज़ का आर्टिकल है, आप लोगों को मैं शेयर करना चाहूँगा अपनी ओर से। आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ABP न्यूज़ जो है, और इसके अलावा आप देखेंगे, आपको मैं एक और आर्टिकल दिखाऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, हिंदुस्तान टाइम का, इन्होंने इस न्यूज़ को कवर करने की कोशिश करी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कोरोना से DU के 25 सदस्यों की मौत, टीचर्स वेलफेयर फंड देगी 10 लाख रुपए। लेकिन इसमें भी थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, क्योंकि पहले टीचर्स के लिए 5 लाख रुपए तक की बात होती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोरोना से जान गंवाने वाले सदस्यों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स वेलफेयर फंड 10 लाख तक की मदद देगी। यूनिवर्सिटी के करीब 25 सदस्य अब तक कोरोना से मृत्यु हो चुकी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और इसके साथ ही आप नीचे देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर, अब ये कौन देने वाला है? DUTWF, यानी ये है क्या? ये जो फंड था ये काफ़ी दिनों से बंद था। मैं आप लोगों के लिए आर्टिकल वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पढ़ना चाहे तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन अब इसको ओपन कर दिया और इसका मंथली जो सब्सक्रिप्शन जो फीस होगी, पहले 50 रुपये थी, अब इसको बढ़ाकर 100 रुपये कर दी गई है। अब यहाँ पर है क्या चीज़? यहाँ पर देखो, अगर वर्क प्लेस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पर जो टीचर्स थे उनकी फैमिली को हेल्थ सपोर्ट या अदर सपोर्ट भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से की जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि इस पैंडेमिक के दौर में आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो अपने काम के लिए, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए भी वर्चुअल मोड से आए, बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करी, बहुत सारे टीचर्स संक्रमित हो चुके हैं। और ये ना केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी में बल्कि देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी में यही हाल है। और बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं इसके अंदर, हम देख रहे हैं। अभी हाल ही में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है उसकी जो सबसे हेड है वीना जी, उनकी भी डेथ हो गई है। उनकी डेथ हुई है 14 मई को दिल्ली में, जो सरोज हॉस्पिटल है रोहिणी में, उसमें ही उनकी डेथ हुई है। तो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो ये प्रोफेसर्स वगैरह भी हैं जो हमारे लिए, तो उनकी फैमिलीज वगैरह को भी देखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, इसीलिए ये फंड रिलीज़ किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो PC शरद जोशी जी हैं, उन्होंने इस पैंडेमिक के दौर से लड़ने के लिए लोगों को एक बात और कही है, टीचर्स के लिए भी कही है कि कम से कम आप लोग इनकी मदद के लिए अपनी एक दिन की जो सैलरी है उसको ज़रूर अदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो ये टीचर्स के लिए, मैं आपको बता देता हूँ, टीचर्स ही है ना जो वही इसका पूरा का पूरा यूज़ कर पाएंगे, स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन बट फिर भी एक अपडेट था आप लोगों के लिए तो मैंने दिया। यहाँ पर कॉलेज डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट से संबंधित है, यहाँ पर उसका HOD वगैरह, प्रिंसिपल वगैरह जो उसके डिपार्टमेंट का है, फिर उसका मोबाइल नंबर, इसके बाद में फिर उसका लैंडलाइन डिजिट, ईमेल ID, ये जो डिटेल्स है फिल करनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा फॉर्मेट के लिए, आपको यहाँ पर ये PDF दिया गया है, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, देखना चाहें। और यहाँ पर आपको कुछ फाइल सेलेक्ट करनी होगी, अगर अलग से आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो देकर आप यहाँ पर टोटली इसको सबमिट कर सकते हैं। यही है इसके अंदर पूरा अपडेट गाइस।
आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से या फिर इग्नू की ओर से कोई भी आप लोगों के लिए नया अपडेट आए, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं, तो आप सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की नई नई अपडेट्स हम आपके लिए लाएँ और जब भी आपके लिए लाएँ तो आपको पता चल सके।